अल्लामा बाबा धर्मपाल अल्लामा सलामुद्दीन साहब की मोहब्बत है, मैं चार मिसरे अपने एड्रेस देने के लिए तैयार है। कहा कि पहले अपना एड्रेस देना कि तू आया कहां से है। मैंने इनकी दावत पे लब्बैक कहते हुए तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी से तय करके मैं आया। गाड़ी चलाते चलाते थकान महसूस तो गई, मैंने आकर के आधे घंटे आराम किया। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतें खींच करके लाई। लेकिन फिरोज भी अपना एड्रेस देना चाहता है कि दुरूद पाक पढ़ता हूँ बहुत ही बढ़िया लगता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ बहुत ही बढ़िया लगता हूँ, शक्ल से देखो गुलामे ताजु शरिया लगता हूँ, और खुदा का शुक्र है सिलसिला है रजवी मेरा, मैं शहरे छपरा और सरजमीने कुदरिया रहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रजवी मेरा, सुभान अल्लाह, खुदा का शुक्र है सिलसिला है रजवी मेरा, मैं शहरे छपरा और सरजमीने कुदरिया रहता हूँ। माशाल्लाह गालिबन सभी लोग आ चुके हैं, और फिर जो आए या ना आए ये मुकद्दर की बात है। हुसैन की महफिल में वही आता है जिसे करबला वाले हुसैन चाहते हैं, हुसैन की महफिल में फिर वही आता है। जितने लोग हैं जहां से बैठे हैं वहां से ठीक ठाक बैठे रहे, आवाजें बुलंद करते रहे इंशाल्लाह। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि क्यों नहीं हो सकता, और चंद लोगों की मोहब्बत ही गनी मिया शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियां, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। मैं बड़ी तेजी के साथ जाता हूं। माशाल्लाह सभी लोग गालिबन तशरीफ ला चुके हैं। मैं एक दुनिया जिसे शायद फितरत सना खाने मुस्तफा, बिल्कुल नई नस्ल की आवाज है, नया चेहरा होगा, नई तरन्नुम होगी इंशाअल्लाह ताला। जब अपनी तरन्नुम नेजी से नाते नबी गुनगुनाने की जब कोशिश करेगा इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, आपको महसूस होगा कि मैं बलिसरा के धरती पर नहीं, अल्लाह ने मेरे जिस्म में दो पर लगा दिया है, जैसे करबला होते हुए मदीने की जानिब परवाज करेंगे इंशाअल्लाह। वो ले जाए दुनिया जिसे शायर फितरत हाफिज वकारी मोहतरम फयाज रजा बरकाती के नाम से जानती और पहचानती है। बड़ी तेजी के साथ उनको चाहूंगा इसलिए कि नाते नबी सुनाएंगे, और मैंने सुना वालों के लिए कि माशाल्लाह ये लोग ठीक ठाक से नाते नबी सुनते हैं। खुदा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुसैन की मोहब्बत में सभी लोग तशरीफ लाए हैं। मैं तमाम तरफ बलेसरा वालों के हवाले से फिरोज रजवी के ज़हन पे एक शेर गर्दिश कर रहा है। मैंने सुना था बलेसरा वाले लोग बहुत अच्छा दिल से सुना करते हैं। मेंबर नूर पे चूंकि हमारे सेक्रेटरी साहब वजीर शाह साहब जब बैठे हो तो फिर इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे दिल के साथ। और सदर जलसा अल्लामा बाबा सलामुद्दीन साहब किबला बैठे हैं, अल्लामा जमील अख्तर तूफानी साहब रजवीदुल्लाह का डायरेक्टर, भाई इमामुद्दीन साहब किबला बैठे हैं, और भाई मोहतरम फयाज हया बरकाती साहब बैठे हैं। मैं एक शेर बलेसरा वालों के नाम करता हूँ, एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बस इतनी लोग के पास हाथ है और किसी के पास नहीं है, अल्लाह ने देखे कितने लोगों के पास दिया है, उठाए एक बार हाथ उठाए, माशाल्लाह सबको दिया है, लहरा कह दे या हुसैन, माशाल्लाह। जिस तरीके से हमारा 9 तारीख को हुसैन की याद में जश्न मनाया है ना, वही जज्बा भी चाहिए मुझे। फिर उसके एक शेर बलेसरा वालों के नाम बाबा अल्लामा सलामुद्दीन साहब किबला बैठे हैं कि जो नाते नबी सुनते और सुनाते हैं। आप लोग तेवर में आए, उलमा इकराम मेरा सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। आज वो अपनी आवाज की जादू पूरे सारण कमिश्नरी तो दूर की बात है यार, उत्तर प्रदेश की धरती तक अभी 2-4 दिनों के बाद वो लहजा चंपारण की धरती पे जाने वाला है। दुनिया जिसे शायर फितरत मोहतरम जमील अख्तर तूफानी के नाम से जानती है, पूरी शान और शौकत के साथ मेंबर नूर पे बैठा है यार। फिर कोई शिकवा शिकायत का नाम ना हो, लेकिन मैंने सुना था कि जो नाते नबी सुनते और सुनाते हैं। आपके बॉक्स में दम नहीं आ रहा है, बॉक्स में दम नहीं आएगा फिर बोलने में मजा नहीं आएगा। लेकिन फिरोज रजवी पढ़ता है कि जो नाते नबी सुनने को तैयार नहीं है, हकीकत में वो साहिबे किरदार नहीं है, और अशरफ अली के कब्र पर जाके देख लीजिए, एक उल्लू भी रहने को तैयार नहीं है। और बलेसरा वालों के बारे में मैंने सुना था कि जो नाते नबी सुनते हैं सुनते और सुनाते हैं, जो नाते नबी सुनते और सुनाते हैं, फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, मगर बलेसरा वाले छप्पर भी मिलके उठाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बतों से नवाज दिया, फिरोज रजवी कामयाब हो गया। बलेसरा वालों के नाम एक शेर किया था, तुम्हारे शहर इज्जत मआब वजीर साहब जब नमाज देना, कामयाब हो जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ कि वादी रजा की कोहे हिमाला हुसैन है। अब हुसैनी देवर में आए, एक शेर पढ़ता हूँ।